আজকে আমরা একটা একটা পয়েন্ট করে আমরা ডিসকাস করবো, এক এক করকে পয়েন্ট করে আমরা ডিসকাস করেন আর সামথিং ইসকা ট্রিটমেন্ট ক্যা হোগা। পহলে যে চিজ কো আমরা ডিসকাস করেনগে ও হে ইনভেস্টমেন্ট ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভ। ঠিক আছে, ইনভেস্টমেন্ট ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভ। अब एक्चुअली सम्स में कुछ ऐसा रहेगा, पहले वो सिचुएशंस तुम्हारे आंखों के सामने मैं क्लियर करता हूँ। देखना, ये जो बैलेंस शीट रहेगा उस जगह पे, इस जगह पे रहेगा इन्वेस्टमेंट, मान लो इस जगह पे है 1 लाख, इस जगह पे लायबिलिटी साइड में रहेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व बोल के 20,000। ठीक है, और नीचे जो रिवैल्यूएशन ऑफिसर आएगा वो बताएगा रिवैल्यूड फिगर of investment is rupees 60,000। कुछ ऐसा situations होगा कि investment का value इस जगह पे 1 लाख, इस जगह पे investment fluctuation reserve बोल के एक चीज रहेगा जहाँ पे 20,000, और नीचे जो revalued figure रहेगा वो बता देगा 60,000। ठीक है, अब ये इसका interpretations पहले समझो, पहले इसको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, उसके बाद जाके कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले ना इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसको एक बार अच्छी तरीके से जान लेते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो हम लोग का एक बिजनेस का टारगेट है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है करेंट इन्वेस्टमेंट, ये तुम लोग का हो गया था एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उस जगह पे। एक है करेंट इन्वेस्टमेंट, एक है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये जो करेंट इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब ये है कि पैसा तुम्हारे पास अभी है, अब तुम्हें लग रहा है कि ये पैसा को ऐसे रख देंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग जाएगा, मुझे चाहिए 3 मंथ्स बाद, तो 3 मंथ के लिए तुम किसी जगह पे उसको लगा दोगे। ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट को बोला जाएगा करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और एक इन्वेस्टमेंट है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब वो करेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए, ये जैसे शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म के लिए ये इन्वेस्टमेंट हम लोग को करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था कि कोई कंपनी को जो एक प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो दूसरा कोई कंपनी का फिनिश गुड्स है। ठीक है, तो इसलिए उस कंपनी का जो भी फिनिश गुड्स है वो पाना सिक्योर करने के लिए जिस कंपनी से वो मिलता है उस कंपनी का कुछ शेयर्स वो खरीद लेता है। जिस एग्जांपल के हिसाब से जॉय ने खरीद लिया था शायद गोपाल एंड कंपनी का कुछ शेयर्स, जहां पे जॉय को कंटिन्यूअसली वो ही गोपाल एंड कंपनी का फिनिश गुड्स मिलता रहे और उसके ऊपर बेस करके जॉय खुद का कंपनी का फिनिश गुड्स बनाते रहे। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी किसी जगह पे करता है उसको बोला जाता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा नाम है इसको सिर्फ याद रखना है। ये इसको और एक नाम से भी हम लोग बोल सकते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट, या इसको हम बोल सकते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हाँ, इसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। इधर माने की, तो देखो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, और ये है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब इसका वैल्यूएशन, वैल्यूएशन इसको तो दिखाना भी है ना बैलेंस शीट में, तो दोनों का वैल्यूएशन कैसे होगा सुनना बहुत अच्छी तरीके से। जो करेंट इन्वेस्टमेंट है उसको हर समय हम लोग करेंट वैल्यू में दिखाएंगे। करेंट वैल्यू में मतलब मान लो कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट है जिस इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, सुनना बहुत अच्छी तरीके से, कॉस्ट है मान लो 1 लाख। ठीक है, करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसका वैल्यू जो करेंट मार्केट प्राइस है वो मान लो 80,000 हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा, ये जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है इसका वैल्यू कौन सा दिखाना होगा, 80,000 दिखाना होगा, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर। जो ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करने के समय में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते थे ना, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर, क्योंकि स्टॉक भी करंट
एसेट होता है, तो ये भी करंट एसेट है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वैल्यूएशन होगा वो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट व्हिच एवर इज लोअर, इस तरीके से इसका वैल्यूएशंस को हम निकालेंगे और अल्टीमेटली हम लोग बैलेंस शीट पे शो करेंगे। ठीक है, अच्छा। और इस जगह पे जो लॉन्ग टर्म है ना, इसको हर समय हम लोग कॉस्ट में दिखाएंगे, कॉस्ट, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है। एक साल में क्या चेंजेस हुआ है, एक साल में एक इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ भी सकता है, नेक्स्ट साल वो कम हो भी सकता है, उसके बाद फिर से बढ़ सकता है, तो ऐसे फ्लक्चुएशंस हो ही सकता है। और हम जब इन्वेस्टमेंट्स को कर रहे लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम लोग को क्या करना है, ये जो एक साल में बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। इसलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा उसको हम लोग सिर्फ कॉस्ट में दिखा देंगे। जैसे मान लो इस जगह पे अगर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख, ये क्या है, कॉस्ट है, तो इसको ही हम लोग कंस्टेंटली शो करते रहेंगे। करेंट मार्केट प्राइस क्या है उसको दिखाना नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म को हम लोग ऐसे वैल्यूएशंस करके दिखाते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। अब इस जगह पे आ जाओ, ये जगह कंप्लीट हो चुका है, ये वाला लॉन्ग टर्म में कैसे इसको वैल्यूएशंस करना है, कैसे इसको दिखाना है, ये डिस्कशन इस जगह पे खत्म हो चुका है। मगर जब शॉर्ट टर्म में हम लोग ये इन्वेस्टमेंट को वैल्यूएशंस को करके दिखाने जाएंगे, तब इसके लिए दो अप्रोच है, सुनना बहुत अच्छी तरीके से, दो अप्रोच है, दो तरीके से हम लोग ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है इसको हम लोग दिखा सकते हैं। एक है कि जो इस जगह पे था 1 लाख था, उसका करेंट मार्केट प्राइस कितना, 80,000, तो सिंपली 80,000 लिख दो। जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1 लाख कॉस्ट था और जो करेंट मार्केट प्राइस है 80,000, और ये रूल के हिसाब से क्या दिखा दोगे, 80,000 दिखा दोगे, दोनों में से जो कम होगा, ठीक है। तो एक है ये वाला, ये एक ऑल्टरनेटिव, व्हिच एवर इज लोअर, ठीक है, ये था ना मार्केट प्राइस और कॉस्ट, व्हिच एवर इज लोअर, इस हिसाब से दिखा सकते हो। मगर जॉय बोल रहा है कि भैया मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने बोला क्या, जॉय बोल रहा है कि भैया ये जो इन्वेस्टमेंट है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही है, मगर मैं चाहता हूं मैं जितना अमाउंट से इसको खरीदा था, दैट इज कॉस्ट प्राइस, मैं उसको भी दिखाऊं और उसका जो आज के डेट में वैल्यू है उसको भी मैं दिखाऊं, एक ही साथ मैं दोनों चीज को डिनोट करूं, ऐसा कोई तरीका से मैं वैल्यूएशंस कर सकता हूं। जॉय मुझे पूछ रहा है, क्वेश्चन को फिर से समझो, जॉय बोल रहा है भैया देखिए अगर ये इस तरीका से मैंने इसका वैल्यूएशंस अगर किया तो आ जाएगा कितना, 80,000। अब 80,000 देख के किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसका कॉस्ट प्राइस 1 लाख था, तो इसीलिए जॉय बोल रहा है भैया मैं चाहता हूं कि दूसरा जो अप्रोच होगा वो ऐसा एक अप्रोच होना चाहिए जहां पे कॉस्ट भी रहेगा, किसी को देख के पता चल जाएगा कि उसको मैंने इतना प्राइस में खरीदा था, और इसका जो नियम है कि हर समय दोनों में से जो कम होगा वही उसका वैल्यू होगा, दैट इज कॉस्ट और मार्केट प्राइस, व्हिच एवर इज लोअर, तो वो भी आएगा। तो ऐसा कौन सा एक अप्रोच हो सकता है जहां पे ये दोनों ही रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। मैंने उसको बोला एक काम तुम कर सकते हो। जॉय ने बोला क्या, मैंने बोला एक काम करो, ये देखो इस जगह पे ना इन्वेस्टमेंट को 1 लाख लिख दो, ठीक है। देखो वैल्यूएशन हम लोग कैसे कर रहे, दिमाग लगा के, और नीचे लिख दो कॉस्ट। अब उल्टा साइड में एक रिजर्व क्रिएट कर लो, जिसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसका वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, दैट इज फ्लक्चुएट होगा, तो ये फ्लक्चुएशंस के कारण से जो मार्केट प्राइस है उसमें चेंजेस आएगा, इसलिए जो करेंट मार्केट प्राइस है उसको लाने के लिए ये जो फ्लक्चुएशंस रिजर्व है उसको कमाओ, उसको बढ़ा दो, उसको कम कर दो, उसको बढ़ा दो, इससे क्या हो जाएगा, जो उसका कॉस्ट है वो एज इट इज तुम्हें देखने में मिलेगा,
और ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको इंक्रीज डिक्रीज करने के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट का करेंट मार्केट प्राइस है उसको भी तुम ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। तो उस हिसाब से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 1 लाख भी शो करना है और उसके साथ जो 80,000 करोड़ दोनों में से जो कम है, दैट इज 1,80,000, दोनों में से कम कौन सा, 80,000 है, तो तुम ये भी शो करना चाहते हो। इसलिए भैया क्या करना है तुम्हें, इस जगह पे इन्वेस्टमेंट के नीचे कॉस्ट बोल के 1 लाख लिख दो और इस जगह पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व बोल के लायबिलिटी साइड में 20,000 लिख दो। इससे क्या होगा, 1 लाख एसेट साइड में और 20,000 लायबिलिटी साइड में, तो इन्वेस्टमेंट का नेट अमाउंट कितना शो कर रहा है, 80,000। जैसे होता है ना, डेटर्स 10,000 या तो फिर मान लो डेटर्स 1 लाख और पीबीडीटी अगर इस जगह पे लिखेंगे तो 20,000, तो अल्टीमेटली डेटर्स का वैल्यू कितना दिखा रहा है, 80,000। तो उसी कंसेप्ट से हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भैया, इस चीज को समझ में आया ना। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट का फिर से रिवैल्यू हुआ है, होने के बाद उसका करेंट मार्केट प्राइस कितना है, 60,000। सुनना बहुत अच्छी तरीके से, हाँ 60,000 आया है, 60,000 हुआ है। तो क्या करना है तुम्हें, इस जगह पे तो तुम 1 लाख ही शो करोगे, अब कितना इस जगह पे लिखने से करेंट मार्केट प्राइस 60,000 शो करेगा, ऑब्वियसली 40,000 लिखने से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। अच्छा तो इस जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको चेंज करके 40,000 हम लोग कर देंगे, तो 1 लाख से 40,000 माइनस होगा तो ऑटोमेटिकली 60,000 आ जाएगा। और एक सिचुएशन मान लो कि इस जगह पे 90,000 आ रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे, 90,000 अगर लाना है तो इस जगह पे 10,000 लिखना है। सुनना बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, इस जगह पे 10,000 लिखना है। अब था कितना, 20,000, ये जो रिजर्व, ठीक है, ये इस फंड में कितना था, 20,000। अब 90,000 अगर करंट मार्केट प्राइस को दिखाना है तो इस फंड में कितना रखना होगा, 10,000। इट मींस ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व है इसमें से 10,000 निकल के बाहर करना होगा, बाहर करना होगा। जब तुम बाहर करोगे तो जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व में जो 20,000 था, 20,000 के बदले में इस फंड में अभी कितना रखना है, 10,000 रखना है, तब जाकर 90,000 का मार्केट प्राइस आएगा। अब ये जो 10,000 बाहर में निकालोगे किसको दोगे, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट करोगे किन लोगों को, ओल्ड पार्टनर्स लोगों को एज पर ओल्ड पीएसएल, बस सिंपल। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व है, जब 90,000 करंट मार्केट प्राइस है तो इस जगह पे 1 लाख है, तो इस जगह पे 10,000 रखोगे तब जगह 90,000 इसका करंट मार्केट प्राइस आएगा। तो 10,000 है कितना, 20,000, तो 10,000 तुम्हें रखना है। तो 10,000 ये जो फंड है, इस फंड से निकल के बाहर चले जाओगे, निकल के बाहर ले जाओगे। तो जब निकल के बाहर लेके चले जाओगे उस समय जो लेके जा रहे वो तो किसी जगह पे तो जाएगा, कहां पे जाएगा, पार्टनर्स लोगों के कैपिटल अकाउंट में वो चला जाएगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन, किस हिसाब से, ओल्ड पीएसआर के हिसाब से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब जो जॉय पूछ रहा है कि अगर जो हम लोग लेके आ रहे हैं रिवर्स कर दो तो इसमें ज्यादा लाना होगा ना, तो कोई तो देगा तब तब जाके ये वाला आएगा। अगर कम करना है, अगर कम करना है तो 10,000 को क्या करना है, पार्टनर्स लोगों के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो अगर ये 20,000 का 40,000 करना है तो रिवर्स, अगर एक साइड समझ में आ जाएगा कंसेप्चुअली तो उल्टा साइड तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे 20,000 तुम लाओगे और भी तो 20,000 लाओगे तब ना जाके ये बनेगा 40,000, तो 20,000 कहां से लाओगे, ऑब्वियसली पार्टनर लोगों के कैपिटल से लेके आओगे, तब जाके इस जगह पे तुम इसको बना सकते हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कि जब रिजर्व को हम लोग बनाते कहां से बनाते, पार्टनर्स लोगों का जो हिस्सा होता है दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट, उसी जगह से हम लोग बनाते, या तो फिर पार्टनर्स लोगों का जो कैपिटल है उस जगह से हम लोग बनाते ये सब रिजर्व। तो जब बनाना होगा तब उस जगह से लेके आना है, जब नहीं चाहिए तब उस जगह पे भेज देना है, बस ये तो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व, कोई प्रॉब्लम है। चलो अब नेक्स्ट
और एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। करंट एडजस्टेड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट इज क्लोजिंग। पार्टनर लोगों का जो क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट है उसको एडजस्ट करना है। अब ये एडजस्ट करना है मतलब क्या हो सकता है, लास्ट डिस्कशन से मैं बोल रहा हूं, जिसका जितना रखना चाहिए उससे ज्यादा भी हो सकता है उन लोगों का क्लोजिंग बा एडजस्टेड कैपिटल, या तो फिर कम भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हमने लास्ट क्लास से ये बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि अगर ज्यादा होगा तो वो उठा के लेके चला जाएगा, अगर कम होगा तो वो पैसा लेके आएगा, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। ठीक है, अब ये जो एडजस्टमेंट है ये एडजस्टमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक है थ्रू कैश और एक है थ्रू करेंट अकाउंट। ये थ्रू कैश मतलब अगर किसी का कम होगा तो वो पैसा लेके आएगा, तो जनरल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर किसी को उठा के लेके जाना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा होगा। इस तरीके से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग को कौन सा समझना है, ये वाला। ठीक है, तो ये जब हम लोग समझेंगे ना तब हम लोग स्ट्रेट वे चले जाएंगे एकदम स्टार्टिंग का चैप्टर में, जहाँ पे ये हम लोग समझ चुके थे कि एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर लोगों का कैपिटल है वो दो तरीके से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, दो मेथड से, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड था, जो कैपिटल मेंटेनेंस, उस जगह पे दो अप्रोच था, एक फिक्स्ड एक फ्लक्चुएटिंग। अब ये फ्लक्चुएटिंग में क्या होता था, फ्लक्चुएटिंग में हर एक पार्टनर का सिर्फ एक ही अकाउंट रहता था, वो है करंट कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट, कि एक ही फंड है इसमें आता है जाता है सब एक ही फंड के थ्रू ही पूरा काम होता है। ठीक है, और जो फिक्स्ड मेथड था उस जगह पे एक एक पार्टनर का दो अकाउंट हम लोग मेंटेन करते थे, एक है कैपिटल एक है करंट। कैपिटल हर समय कंस्टेंट रहता है, जब फिक्स नेचर का कोई ट्रांजेक्शन होता है जैसे फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन, ठीक है, या तो फिर परमानेंटली कोई कैपिटल विड्रॉ करना, वही सिर्फ ये कैपिटल के साथ एडजस्ट होता था, बाद बाकी जितना भी है सैलरी और प्रॉफिट का शेयर्स ये वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सब कुछ ही करेंट अकाउंट के साथ होता है। ठीक है, ठीक ना। तो अब बोल रहा है कि देखो कि जो भी कैपिटल को एडजस्ट करना है, पार्टनर लोगों का जो क्लोजिंग कैपिटल उसको एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट करने के लिए पैसा कुछ लेके आना नहीं है, पैसा कुछ लेके नहीं जाना है। ठीक है, पैसा को कंसिडर मत करो, तुम लोगों का ही दैट इज पार्टनर लोगों का और एक जो अकाउंट है उस अकाउंट के साथ एडजस्ट करो। मतलब और एक अकाउंट मतलब डायरेक्टली ये हम लोगों को समझा रहा है कि उस सम्स में जो कैपिटल मेंटेनेंस हो रहा है वो अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तब ना जाके एक के साथ दूसरा भी एक अकाउंट है जिसके साथ एडजस्ट करना होगा। ठीक है, और वो जो अकाउंट होगा वो कौन सा अकाउंट है, दूसरा करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट। अब बोल रहा है देखो, जैसे जैसे एक एग्जांपल देके मैं बताता हूं, मान लो जॉयस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जॉय का जो कैपिटल अकाउंट मान लेते एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट उसका निकल के आया है मान लो 70,000, और जो क्लोजिंग कैपिटल उसको रखना है वो मान लो 60,000। ठीक है, अब कंपनी बोल रहा है कि जो भी कैपिटल को एडजस्ट करना है वो कैश के थ्रू नहीं, कैश मतलब वो उठा के लेके चला जाएगा, कंपनी ये सोच रहा है या तो फिर पार्टनरशिप फर्म ये सोच रहा है। तो इस कारण के लिए पार्टनरशिप फर्म ये बताया पार्टनर लोगों को कि आपका जितना एक्सेस है ना, आपका जितना एक्सेस है ना 10,000, वो एक काम कीजिए, ये जो आपका कैपिटल अकाउंट है ना
ये कैपिटल अकाउंट से आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए करंट अकाउंट में, करेंट अकाउंट में ये 10,000 आप डाल दीजिए, ठीक है। तब इसका जर्नल, ये जो सिचुएशन हुआ, ये कैपिटल अकाउंट से करेंट अकाउंट में लाना, इसका जो जर्नल होगा क्या होगा? एग्जैक्टली, वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करेंट अकाउंट, ठीक है। अब तुम लोग ये सोचोगे क्यों ऐसा होता है, ये इसीलिए होता है, रिक्वायरमेंट को पहले समझना होगा कि कैपिटल में तुम कभी भी जो रिक्वायर्ड क्लोजिंग कैपिटल है इससे ज्यादा तुम रख नहीं सकते हो, तो इसलिए तुम्हें कितना रखना होगा, 60,000 ही रखना होगा, और तुम्हारे पास है कितना, 70,000, तो जो एक्स्ट्रा 10,000 है, ये 10,000 को भी तुम उठा के नहीं ले जा सकते हो, इसको भी तुम्हें बिजनेस में रखना होगा, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि इसको तुम एडजस्ट करो करंट अकाउंट के साथ। देखो ये बात करने से दो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है, एक तो जो क्लोजिंग कैपिटल रखना चाहिए वो मेंटेन हो जाएगा, उसके साथ साथ बिजनेस का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो पैसा वो जॉय उठा के नहीं ले जाएगा। अगर इस जगह पे फर्म ये बता देता कि जो भी एडजस्टमेंट होगा वो थ्रू कैश होगा, तब ये 10,000 बिजनेस से लेके बाहर चला जाता, कौन, जॉय। तो इससे क्या होता है, बिजनेस का जो लिक्विडिटी कंडीशन है, हाथ में जो अवेलेबिलिटी ऑफ है कैश का, वो कम हो जाता। तो जब फर्म ने ये बता दिया कि तुम्हें जो भी एडजस्ट करना है वो करंट अकाउंट के साथ एडजस्ट करना है, तब जाके जॉय ने क्या किया, पैसा को उठाया नहीं, पैसा को क्या किया, एक्स्ट्रा पैसा को करंट अकाउंट में रख दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये सिर्फ बुक एडजस्टमेंट है, ये वाला सिर्फ जर्नल होता है और कुछ नहीं, ठीक है। बिजनेस में पैसा रह ही जाता है, तो इससे बिजनेस का भी एक लिक्विडिटी कंडीशन अच्छा कंडीशन में रह जाता है, ठीक है। अब अगर मान लो इसका अगर रिवर्स कंडीशन अगर सोच लोगे कि ये अगर मान लो 60,000 रखना है 70,000, ठीक है, तो 10,000 शॉर्ट, ठीक है, सुनना बहुत अच्छी तरह से, शॉर्टेज कितना है 10,000, अब ये 10,000 लाना होगा करेंट अकाउंट से। अब मान लो जॉय भैया का करेंट अकाउंट में कितना है, 20,000 है, और कैपिटल अकाउंट में रखना है कितना, 70,000, मगर है कितना, 60,000। अब इस जगह पे 10,000 उठा के ला देगा, बैठा देगा, तो ऑटोमेटिकली 70,000 हो जाएगा। अब ये जो बुक एडजस्टमेंट होगा इसके लिए जर्नल क्या होगा, करेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चीज को समझो, एडजस्टमेंट नहीं, चीज को समझो कि ये जो बताया गया है इसके पीछे लॉजिक है, फर्म का क्या बेनिफिट मिल रहा है, तब जाके फर्म ये बताएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। अब हम लोग और एक एक एडजस्टमेंट समझेंगे, वो तीन नंबर वो है पेटेंट जो यूजलेस है। तो पहले इसका सिचुएशंस देख लेते हैं कैसा सिचुएशंस में क्या रहेगा। मान लो एक बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट में पेटेंट है, ठीक है, पेटेंट क्या है, इनटेंजिबल एसेट। अब ये इनटेंजिबल क्यों है, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब हम लोग, ये सब एसेट है, ऑब्वियसली रियल एसेट है, मगर कैन नॉट बी सीन और टच, वेरी गुड। तो पेटेंट मान लो इस जगह पे है 20,000। अब जो रिवोल्यूशन ऑफिसर आया, रिवोल्यूशन ऑफिसर आके बताया ये जो पेटेंट है ना, ये अब यूजलेस है, ये अब यूजलेस है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जैसे हम लोग दूसरा एसेट्स को ट्रीट करते उसी हिसाब से इसको भी ट्रीट कर देंगे। जैसे हम लोग मान लो इस जगह पे अगर और एक एसेट को खड़ा कर दे, लैंड एंड बिल्डिंग, इस जगह पे 1,00,000 था, अब बोल रहा है 20,000 से लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू डिक्रीज होगा, तो हम लोग क्या करते थे, इसके लिए क्या जर्नल पास करते थे, रिवोल्यूशन नॉमिनल अकाउंट लॉस, इसलिए डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, इस जगह पे हम लोग 20,000 लिख देते थे, यही करते थे ना। तो सेम वे में जैसे लैंड एंड बिल्डिंग भी एक एसेट है, ये भी तो भैया एक एसेट ही है पेटेंट, इसलिए इसको अलग से कुछ सोचना नहीं है। अब बोल रहे पूरा यूजलेस, दैट इज इसको हम बोल सकते हैं कि पेटेंट द वैल्यू ऑफ पेटेंट विल बी रिड्यूस्ड बाय द फुल वैल्यू ऑफ द पेटेंट, दैट इज रुपीज 20,000, बस सिंपल। तो इसको क्या करेंगे, वही सेम एग्जैक्टली इस जगह पे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट,
क्या करोगे, इस जगह पे 20,000, इस जगह पे 20,000 और फुल अमाउंट राइट ऑफ हो रहा है, तो जो नया बैलेंस शीट होगा नया बैलेंस शीट में कुछ ही नहीं आएगा, ठीक ना। जैसे इस जगह पे 1,00,000, अब 1,00,000 में से हम लोग 20,000 माइनस करके न्यू बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे, 80,000। तो इस जगह पे था कितना, 20,000 था, अब 20,000 में पूरा 20,000 ही तुम राइट ऑफ कर रहे हो, तो नया जो बैलेंस शीट होगा उसमें कोई वैल्यू ही नहीं आएगा, सिंपल सा चीज, ठीक है। चलो और एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं, वो है जनरल रिजर्व मेंटेन, जनरल रिजर्व मेंटेन, सुनना बहुत अच्छी तरीके से। पहले इसका सिचुएशंस को देख लेते हैं, कैसा सिचुएशंस रहेगा, ठीक है, तब जाके हम लोग अच्छी तरीके से इसको रिलेट कर पाएंगे। जैसे मान लो जनरल रिजर्व 1,00,000 है, ठीक है, पहले जो ओल्ड पार्टनर, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स था 3 जन, ए बी सी, ठीक है, उसके बाद एक जन न्यू आया, दैट इज डी। अब एडजस्टमेंट में है कि जनरल रिजर्व स्टिल मेंटेन करना ही होगा सेम अमाउंट से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, ये रहेगा। अब हम लोग के मन में एक क्वेश्चन अब अराइज होगा कि ये जो जनरल रिजर्व 1,00,000 है, ये तो तीनों जन मिलके तैयार किया, अभी ये 1,00,000 अगर रह जाए इस जगह पे और ये डी अगर उसके साथ ऐड हो जाए, तो जो नया पार्टनरशिप होगा उस जगह पे पार्टनर कितना हो जाएगा, ए बी सी डी चारों, तो ये 1,00,000 में डी का भी हिस्सा बन जाएगा। तो इस जगह से हम लोग का मन में एक डाउट हुआ कि ये तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए ये जो 1,00,000 है ना, ये 1,00,000 पहले हम लोग इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद ए बी सी डी चारों मिलके कंट्रीब्यूट करके फिर से ये 1,00,000 जनरल रिजर्व बना लेगा। और एक बार देखो, फिर से देखो, अगर ये 1,00,000 इस जगह पे ऐसी कंडीशंस में रह जाए, तो ए बी सी उसके बाद डी जब नया आएगा, ये 1,00,000 में तो डी का भी हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाएगा, जहां पे डी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था उस जगह पे ओनर बन जाएगा, ये कैसे हो सकता है। इसलिए उस कंसेप्ट के हिसाब से ये 1,00,000 में एक भी पार्ट डी को मिलना नहीं चाहिए, मगर बोल रहा है कि जो फॉर्म का कंडीशन है, इस कंडीशन में ये जो 1,00,000 का जनरल रिजर्व वो मेंटेन करना ही होगा, क्योंकि कोई भी एक सिचुएशन आ सकता है जहां पे ये 1,00,000 लग सकता है, तो इसमें जनरल रिजर्व का 1,00,000 मेंटेन करना ही होगा, रखना ही होगा, तो रखना ही होगा मगर रख नहीं सकते, सिचुएशंस तो कुछ ऐसे ही है ना, रख नहीं सकते मगर रखना ही होगा। तो एक काम करो ना, पहले क्या आ रहा है, रख नहीं सकते, ठीक है, उस हिसाब से फ्लो करो। तो एक काम करो, पहले जनरल रिजर्व राइट ऑफ कर दो, मगर किस लोगों के बीच में, टू ओल्ड पार्टनर्स लोगों के बीच में, दैट इज ए बी सी ओल्ड पी एस आर, ठीक है। अब बोल रहे रखना होगा, हाँ रखो, चार जन मिलके कंट्रीब्यूट करके फिर से 1,00,000 बना के रखो, एग्जैक्टली। तो ये हुआ राइट ऑफ और ये होगा क्रिएशन, बक रेज, चलो रेज बोल देते एक ही टर्म, रेज। तो आएगा क्या, ए बी सी डी कैप अकाउंट डेबिट 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 टू जनरल रिजर्व, ये क्या होगा, न्यू पी एस आर के हिसाब से, बस हो गया। ये जो जगह है यही सबसे बेस्ट वे, पहले राइट ऑफ कर दो ओल्ड पार्टनर्स में, तब न्यू पार्टनर्स में इसको रेज कर दो। बहुत जगह पे ये जो एडजस्टमेंट है दूसरा तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं, एग्जैक्टली बाय सिंगल एंट्री, जो कहां पे सीखे थे, गुडविल ट्रीटमेंट में। गुडविल को हम दो तरीका से कर सकते हैं, एक सिंगल एडजस्टमेंट से, एक सिंगल जर्नल से, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। दूसरा था सिंपल एडजस्टमेंट वाला, पहले उसको रेस कर दो, उसके बाद न्यू पेसर से राइट ऑफ कर दो। तो यही वाला सबसे इजी है, क्वेश्चन है लिखे, एग्जैक्टली, वेरी गुड,
किसी जगह पे वो क्वेश्चंस में क्लियरली मेंशंस कर देगा, तो अगर क्वेश्चन में मेंशंस कर देगा तो वही अप्रोच से पूरा काम को करना, इसलिए दोनों ही अप्रोच हम लोग अच्छी तरीके से सीख चुके हैं कंसेप्चुअली, ठीक है।